हेलो, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। ये यूरो का वैक्यूम क्लीनर है। इसका मोटर ऑन नहीं हो रहा था, इसीलिए इसको खोलना पड़ा। ये सारा सिस्टम को खोल लिए हैं। खोलने के बाद ये आपको आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। ये देखिए, ये इसका सिलेंडर है जिसको खोल के हटा दिया गया है। ये देखिए, ये सारा सिस्टम को हटाया गया। ये मोटर है, ये मेन, सबसे मेन वैक्यूम का सबसे मेन पार्ट है। यही वैक्यूम बनाता है। इसके अंदर पंखा लगा हुआ है जो वैक्यूम को बनाता है। ये देखिए, ये इसका ऊपर वाला कवर है जिसको हटा दिया गया है। ये नीचे वाला उसके ऊपर वाला कवर है। ये देखिए, यहाँ सारा सिस्टम इसमें असेंबल है। किट है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इसमें सारे फंक्शंस है। ये देखिए, ये वायर के लिए है, एक्सटेंशन है। ये देखिए किस तरह ये असेंबल होता है। ये देखिए, एक बड़ा घिरनी है, एक छोटा है। ये छोटा वाला ही बड़े वाले को घिसता है। ये देखिए, ये इसका सामने का बॉडी है, फेस है, जिसको खोल के हटा दिया गया है। ये इसका क्लीनर है, ये टॉप बॉडी है। ये पीछे का बॉडी है। चलिए देखते हैं क्या क्या वर्क है और किस तरह इसको सॉल्व किया गया। ये देखिए, वैक्यूम क्लीनर है जिसमें मोटर प्रॉब्लम दे रहा था। मोटर का काम तो कंप्लीट हो गया है। अब इसको असेंबल कर देते हैं। ये सबसे नीचे का है, एक ग्रिप है, यही ग्रिप बनाता है। कुछ निकल रहा है मोटर को वाइब्रेशन के लिए, वाइब्रेशन से रोकता है ये। ये देखिए, मोटर को इस तरह लगा दिया गया है। इसका फिटिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यही है जी, वो ये ऊपर का बुश हुआ है, ये वाइब्रेशन से रोकने के लिए लगाया जाता है। ये इसका टॉप बॉडी है जिसका, जिसको लगाने के लिए अब नीचे का सारा सिस्टम को लगा दिया गया है। ये इसका वायर टूट गया था, इसको लगा दिया गया है। और इसमें मोटर में भी थोड़ा प्रॉब्लम था, डस्ट आ गया था, वो डस्ट को साफ किया गया। ये देखिए, ये इस तरह असेंबल होता है। इसको असेंबल करना थोड़ा टफ में हो जाता है। सारे फिटिंग्स बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होते हैं, थोड़ा सा भी अगर घाट में नहीं लगा तो ये प्रॉब्लम आने लगता है। ये देखिए, ये ऊपर का बॉडी कंप्लीट हो गया फिटिंग। अब इसका बाहर आउटर बॉडी है, इसको लगाया जा रहा है, इसको लगा लेते हैं। ये फिटिंग में कंप्लीट हो गया है, सिर्फ वायरिंग बचा हुआ है। अब वायरिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये दो कोपलर्स लगे हुए हैं और ये किट है हाई लो करने के लिए। ये अंदर में रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वजह से हाई या लो होता है। ये देखिए, बैक पोर्शन है। बस है, पानी से भीगने से भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये सारे कंप्लीट के बाद अब इसका फेस को लगाया जा रहा है। ये इसका इंडिकेशन बल्ब है जिसको लगाया जा रहा है, और वायरिंग भी है जिसको सारे को फिटिंग करना है। ये इसका रेसिस्टेंस है हाई लो करने के लिए। अब इसको असेंबल कर देते हैं। ये सारे असेंबल हो गए हैं। असेंबल के बाद इसको देखिए, ये सारा देखिए, सारा वर्क कर रहा है। अब इसको सप्लाई देके एक पर ऑन करते हैं, ये कैसा वर्क कर रहा है। चलिए देखते हैं। ये कुछ कुछ स्क्रू बचे हुए हैं, ये सबको फाइनली फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे।
फाइनली ये कंप्लीट हो गया है, अब इसको सप्लाई देते हैं। ये देखिए पावर आ गया, इसमें बस एक मोटर ही होता है जो वर्क करता है और उसी की वजह से वैक्यूम सारा फंक्शन में आता है। ये देखिए ये प्रॉपर काम कर रहा है। ये हाई लो का भी बटन ठीक ठाक काम कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। बस यही है वैक्यूम क्लीनर का ऑपरेशन और इसका ओपनिंग फिटिंग। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।